कर्नाटक में भाषा को लेकर विवाद भड़क उठा है। कन्नड़ समर्थक समूहों ने आज बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई इलाकों में प्रदर्शन किए और अंग्रेजी में लिखे दुकानों के साइन बोर्ड्स को तोड़ दिया। हाल ही में बेंगलुरु नगर निगम ने आदेश जारी किया था कि दुकानों के साइन बोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा होनी चाहिए। इसे लेकर प्रदर्शनकारियों ने आज हवाई अड्डे से लेकर सैलून, स्पा समेत कई प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया, जहां उन्हें कन्नड़ के अलावा किसी और भाषा में लिखे हुए साइन बोर्ड दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 60% कन्नड़ भाषा से जुड़े आदेश पर तुरंत अमल किया जाए। हालांकि नगर निगम की तरफ से 28 फरवरी तक का समय दिया गया है, लेकिन ये प्रदर्शनकारी अभी से इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों के पीछे कौन है, क्या कोई सुनियोजित संगठन है, जानबूझकर क्या इस तरह किया जा रहा है, ये अभी पता नहीं है, लेकिन इस तरह से एक की देखा देखी दूसरी जगह भी प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रतिभा हैं। प्रतिभा, ये जो प्रदर्शन अचानक शुरू हो गया जबकि 28 तारीख तक का समय दिया हुआ है, तो ये कौन लोग हैं जो अपने आप ही निकल आए इस आदेश को अमल कराने के लिए, जबकि आदेश पर अमल कराने का काम सरकार का होता है? जी, कर्नाटक में भाषा को लेके ये जो विवाद जो चल रही है वो नया नहीं है, और पिछले 2 हफ्ते से कन्नड़ा एक्टिविस्ट जो है वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से अपना प्रतिभटन यहाँ पे जारी करते हुए बेंगलुरु की सिविक बॉडी ने ये निर्णय लिया कि फरवरी 28 जो है वो डेडलाइन होगी, जिस पर 2018 का जो आदेश था उसको पालन करने का। 2018 के आदेश आप देखेंगे तो हर एक नेम बोर्ड में 60% जो है वो कन्नड़ा को प्रोमिनेंस देनी चाहिए, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है वो प्रतिभटन के वजह से यहाँ पे सारे नेम्बो जो है उसको थोड़ के नीचे फेंक दिए हैं। और आज सुबह ही ये आंदोलन शुरू हुई थी, और उन्होंने कहा कि ये जो है वो पीसफुल तरीके से ये एक अवेयरनेस ड्राइव होगी, लेकिन जब पुलिस ने नारायण गौड़ा नाम के जो लीडर है कर्नाटक रक्षणा वेदिके के, उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेने के बाद ये बहुत ही वायलेंट टर्न ले चुकी थी, और हर एक एक्टिविस्ट जो है वो पुलिस वैन से लेकर उतर के यहाँ सारे जो शॉप्स है उसमें जाके तोड़ फाड़ करते हुए यहाँ बेल्लारी रोड में इसी प्रतिभटन जो है वो यहाँ से वहाँ तक अभी भी चल रही है। आप देख सकते हैं कि कन्नड़ा एक्टिविस्ट के झंडे भी वहाँ पे लगी हुई है, बहुत डिफरेंट पॉकेट्स में ये जो प्रतिभटन हो रही है बेल्लारी रोड में। उनकी आगे की प्रोग्राम ये है कि वो मॉल में जाके घुस के, मॉल ऑफ एशिया नाम के एक मॉल है यहाँ बेल्लारी रोड पर, वहाँ घुस के वहाँ भी तोड़ फाड़ करने का ये प्रोग्राम बनाया है। उनके नजरिए से आप देखेंगे तो उनका स्टेटमेंट ये है कि उनको ये अग्रेसिव तरीके से करना पड़ेगा, और उसी समय ये लोग जो है वो ये बात को लाइटली नहीं लेंगे, और कन्नड़ा को जिस तरह का प्रोमिनेंस देनी चाहिए, अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल की बोर्ड्स लगाते हैं, महाराष्ट्र में मराठी का बोर्ड्स, क्यों कन्नड़ा का बोर्ड्स उसकी जो प्रोमिनेंस है वो जो प्राइड है यहाँ कर्नाटक में क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों इस तरह की प्रतिभटन के बाद ही गवर्नमेंट और सरकार जो है वो इस तरह का निर्णय ले रहे हैं, यही उसका सवाल है। और इसकी जो आप देखेंगे हिस्ट्री, कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार पिछली बार भी जब आई थी 2013 में जब सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे, उस समय भी यहाँ पे इस तरह का प्रतिभटन हुआ था जहाँ पे मेट्रो स्टेशन में। आइए हम पूछते हैं कि क्यों इस तरह की प्रतिभटन कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं सर ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ 50% ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಬೇಕು, 40% ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೋಟಲ್ಲು ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡನ ಹಾಕದೇನೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆನೇ ಬಳಸಿ ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರೋಡಿಗೆ ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಈಗ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಈ ದಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ
तो देख सकते हैं वहाँ पे कन्नड़ भाषा के समर्थन में और कन्नड़ भाषा के इस्तेमाल को बढ़ा अधिक से अधिक बढ़ाने को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है, जहाँ किसी और भाषा में लिखे हुए जो बैनर हैं, पोस्टर हैं या साइन बोर्ड्स हैं उन्हें इस तरह हटाया जा रहा है।